शमशेर अपने गांव का दबंग और होशियार आदमी है। गांव के ज्यादातर लोग उससे डरते हैं। शमशेर की बीवी प्यारी, सीधी सादी और भोली भाली है। वो उसे आसानी से पागल बना देता है। सुबह सुबह शमशेर हड़बड़ी में घर से निकलते हुए, रमेश भैया बता रहे थे कि कल आप फल वाले को गले से पकड़कर धमका रहे थे, क्यों गरीबों की हाय लेते हो, क्या मिलता है आपको? तुम अपने घर के कामकाज से मतलब रखो, समझी? ज्यादा दिमाग मत चलाया करो। किसी दिन मेरा दिमाग घूम गया तो तुम्हें भी सबक सिखाने में वक्त नहीं लगेगा। मैं तो बस चुप, बिल्कुल चुप रहो। और घर से निकल जाता है। बेचारी प्यारी चुपचाप सब सहती रहती थी। कुछ दिनों से शमशेर सच धज कर घर से निकलता और पूरा दिन गायब रहता। मैं कहती हूँ, आजकल आप पूरा पूरा दिन कहाँ गायब रहते हैं, ये ठीक नहीं है। तुम मुझे सही गलत ना ही सिखाओ तो अच्छा है। रहना है तो रहो, नहीं तो जाओ यहाँ से। हाँ हाँ जा रही हूँ। हाँ हाँ जाओ तुम। उसके बाद शमशेर गांव के बाजार में जा पहुंचा। वहां पर एक अंडे के ठेले वाले से, चलो भाई लगाओ जरा 20 उबले हुए अंडे, जल्दी करना मुझे कहीं जाना है। शमशेर भैया, आपके पिछले 2 महीने से कोई पैसे नहीं आए हैं, आप पहले वो चुकता करिए। हाँ अच्छा तो ये बात है, लगता है अपना ठेला नहीं लगाना चाहते तुम यहाँ पर। हाँ? बोलो बोलो, उठवा दो तुम्हारा ये ठेला यहाँ से। माफ कर दो भैया, गलती हो गई है, मेरे परिवार का खर्चा इसी ठेले से चलता है भैया, माफ कर दो मुझे, अभी अंडे लगा देता हूँ, आप लीजिए अंडे खाइए, लीजिए। हाँ ये हुई ना बात, चलो चलो लगाओ जल्दी। अंडे के ठेले के सामने बाजार में 2 आदमी आपस में बात करते हुए, अरे भैया इस दबंग का यही हाल है, सारे गांव के नाक में दम किया हुआ है इसने। सही कहा भाई, इसके आगे बोले भी कौन, आधा पागल है ये। दोपहर में शमशेर जब घर लौटा तब देखा, पूरा दिन हो गया प्यारी वापस नहीं आई, कुछ अता पता नहीं उसका। शमशेर मुखिया जी के पास जाकर, मुखिया जी प्यारी सुबह से घर पर नहीं है, मैंने सबसे पूछा, किसी को कुछ पता नहीं, अब तो अंधेरा होने को है। चलो उसे ढूंढते हैं। शमशेर मुखिया और 2 आदमी लाठी लेकर प्यारी को ढूंढते हैं। नदी के पास अरे ओ नाविक, तुमने यहाँ नदी के पास आसपास शमशेर की लुगाई प्यारी को कहीं देखा है क्या? नहीं मुखिया जी, मैंने नहीं देखा, आज तो यहाँ गिनती के 4 लोग ही आए थे। चलो गांव के बस स्टैंड के पास पता करते हैं। बस स्टैंड के पास वहाँ एक चाय वाले से, ओ भाई ओ सुनो जरा यहाँ आओ, तुमने आसपास ओ शमशेर की लुगाई प्यारी को कहीं देखा क्या है, किसी बस बस में चढ़ते हुए? ना मुखिया जी ना, आज तो इस तरफ कोई औरत ही नहीं आई। चलो यहाँ से शमशेर, ये तो पक्की बात है कि प्यारी गांव से बाहर नहीं गई, है तो गांव में ही। मुखिया जी मैंने गांव के हर आदमी से पूछ लिया पर किसी को कुछ नहीं पता। कहीं कुछ गलत ना हो गया हो, इससे पहले कि देर हो जाए तुम जल्दी जाकर थाने में रपट लिखा दो। शमशेर भागकर थाने जाता है। साहब हमारी बीवी सुबह गई थी, अब तक घर नहीं आई, आप उसे ढूंढ दो। अरे नाराज होके चली गई होगी, आ जाएगी थोड़ी देर में, चल जाए यहाँ से, हमारे पास और भी बहुत काम है। नहीं साहब, हमारी बीवी हमको बहुत प्यारी है, उसकी गांव में कोई खबर नहीं, कुछ कीजिए साहब। रे तुम ऐसे नहीं मानोगे, रे बताओ क्या हो लिया? साहब पूरा दिन और रात बीत गई पर मेरी बीबी अब तक घर नहीं आई, साहब मेरी रपट लिख लो। अच्छा रुको,
सर ये अपनी पत्नी के गुम होने की रिपोर्ट लिखवाने आया है। बीवी भाग गई। बहुत किस्मत वाले हो भाई। क्या क्या बोल रहे हो साहब? अरे भाई हमें भी नुक्सा बता दो, कैसे भागेगी? ससुरा हमारी बीवी ने तो नाक में दम कर रखा है। कंट्रोल सर कंट्रोल, पानी पी लो और समोसा खाओ, टेंशन दूर हो जाएगी। हाँ भाई सही कहा, अब तो समोसे ही हैं जो टेंशन भगा देते हैं। लिख लो इसकी रिपोर्ट। हाँ भाई क्या नाम है तुम्हारी पत्नी का? साहब प्यारी। रे बड़ा प्यारा नाम है प्यारी। खैर के हुआ, खुल के बता, तुम दोनों का कोई लड़ाई झगड़ा हुआ के? नहीं साहब ऐसा कुछ नहीं हुआ। कल सुबह काम को लेकर वो नाराज होके मेरे पड़ोसी रमेश के घर गई थी, तब से वापस नहीं आई। रे तुम्हें कैसे पता कि वो रमेश के ही घर गई? साहब वो रमेश को अपना भाई मानती है, जब भी नाराज होती है उसी के घर जाकर बैठ जाती है। पर इस बार तुमने उसके घर जाके पता किया? हाँ साहब मैं गया था, पर वो दोनों पति पत्नी तो उल्टा मुझ पर ही बिगड़ गए। अच्छा ठीक है हम देखते हैं कि वो कहाँ गई। ठीक है। इंस्पेक्टर और सिपाही गांव में। रे सुन, तुमने कल प्यारी को गांव में कहीं देखा के? नहीं साहब मैंने नहीं देखा, मैं तो सुबह तड़के काम पर चला जाता हूँ और रात को वापस आता हूँ। मेहनत मजदूरी वाला आदमी हूँ साहब। गांव में क्या हो रहा है, कौन कहाँ जा रहा है, किधर क्या हो रहा है, मुझे नहीं पता साहब। अरे अरे बस कर बस, चल जाए यहाँ से। सर तीन आदमियों से तो पूछ लिया, किसी को कुछ ना पता। वो बुढ़िया कब से फटी आंखों से हमें घूर रही है साहब, पगली लगती है, मैं इसे भगाता हूँ। ए माई ए चलो जाओ यहाँ से, कब से घूर घूर कर देख रही है, कभी सुंदर पुलिस वाला नहीं देखा के? बुढ़िया मुंह फेर कर लाठी टेकती हुई चली गई। अब क्या कह रहे थे तुम, सुंदर पुलिस वाला? वाकई मैं इतना सुंदर दिखता हूँ? हाँ साहब आप बहुत सुंदर हैंडसम दिखते हो। अरे बाप रे 10 किलो का तो खाड़ी पेट है सर का, अब इनको क्या कहा जाए कि बदसूरती भरी पड़ी है इनके अंदर। तुम्हारे प्रमोशन की बात करूंगा, बस एक बार मेरी हो जाए, समझे? चलो रमेश के घर पूछताछ करते हैं। गांव में जाकर रमेश के घर पर। हाँ तो तुम ही रमेश हो? जी साहब मैं ही रमेश हूँ। रे शमशेर की बीबी प्यारी कल सुबह तुम्हारे घर आई थी, उसके बाद से वो गायब है। साहब वो आई थी पर 5 मिनट में ही चली गई, कह रही थी घर का सारा काम पड़ा है। वो तो अब तक घर नहीं पहुंची, कहाँ गई वो? साहब पता नहीं। शमशेर का कहना है कि तुम और तुम्हारी पत्नी उसे शमशेर के खिलाफ भड़काते रहते थे। नहीं साहब बिल्कुल नहीं, हम तो उसे समझा बुझा कर घर वापस भेजते थे। देखो भाई प्यारी, सामने आकर ये कहेगी तब तो ठीक है, वरना शमशेर का कहना है कि उसकी पत्नी को तुम दोनों पति पत्नी ने मिलकर गायब किया है। कसम समोसे की बचना मुश्किल हो जाएगा तुम लोगों का। साहब मेरा यकीन करिए हमने ऐसा कुछ नहीं किया। रे बावड़े भगवान से प्रार्थना कर कि वो सही सलामत मिल जाए, नहीं तो तुम लोग अंदर जाओगे। साहब ये रमेश और उसकी पत्नी भोले लगते हैं, अक्सर भोले दिखने वाले लोग ही संगीन अपराधी होते हैं। सिपाही तेजी से ब्रेक लगाता है। ए बढ़िया ए माई, रे फिर तू वाली अभी मर जाती तो दिखाई नहीं देता के? बुढ़िया घूरने लगती है। अरे अब गाड़ी के सामने से हट ले, देर हो रही है। मैं 2 दिन से भूखी हूँ। तो क्या मैं खावेगी? 2 दिन से कुछ नहीं खाया। चलो इसे खाना खिलाते हैं। बुढ़िया जल्दी जल्दी खाना खाती है। तुम इसी गांव में घूमती रहती हो ना, शमशेर की बीवी प्यारी को कहीं देखा है? बुढ़िया ने सुनकर अनसुना कर दिया। ओ माई ओ, रे सुनाई नहीं दिया के, सर ने क्या क्या? ए तुमने शमशेर की बीवी प्यारी को कहीं देखा है? बुढ़िया ने नम सिर हिला दिया। मेरी तरफ देखकर कहो। प्यारी शमशेर की बीवी नहीं है। क्या प्यारी शमशेर की बीवी नहीं है? ये क्या कह रही हो, दिमाग चल गया क्या तेरा? कहा ना प्यारी शमशेर की बीवी नहीं है। लाठी टेकती हुई वहां से चली गई। सर ये सचमुच पगली लगती है, कोई बात जरूर है जो इसने कहा कि प्यारी शमशेर की पत्नी नहीं है।
अरे ओ भाई शमशेर, अरे सच सच बोल, प्यारी तेरी बीवी है? यह कैसा सवाल है साहब? ऐसा वैसा गया बाढ़ में, तेरे केस के चक्कर में दिमाग खराब हो लिया। पहले तू ये बता कि प्यारी है कौन? हमें पता चला है कि वो तेरी बीवी नहीं है। साहब वो मेरी ही बीवी है, सच बता, नहीं तो साहब मैं सच बोल रहा हूँ। अरे तो कहाँ चली गई वो, हैं? जमीन निगल ली या आसमान खा लिया उसे? पता नहीं साहब, तभी तो आपके पास आया हूँ। उसे ढूंढ दो साहब, उसके साथ कुछ गलत हो गया तो मेरी गृहस्थी उजड़ जाएगी। चल चल निकल यहाँ से, जब कुछ पता चलेगा तो बुला लेंगे। साहब लग रहा है उस पगड़ी माई ने हमें बावड़ा बना दिया, चलो पहले उसे ही ठीक करते हैं। ओ ओ माई ओ, और सुन जरा। आ गए तुम, मुझे पता था तुम लोग वापस जरूर आओगे। अरे तुझे शर्म नहीं आती है हमसे झूठ बोलते हुए? अरे पुलिस वालों को बावड़ा बनाती है, हम केस की तहकीकात कर रहे हैं और तूने हमें। मैं ऐसा नहीं करती तो क्या तुम यहाँ वापस आते? अब सच सच बताओ, तुमने हमसे झूठ क्यों बोला? पहले मुझे खाना खिलाओ तब बताऊंगी। इंस्पेक्टर सिपाही को इशारा करता है। बेटा मैंने इसलिए झूठ कहा कि तुम दोबारा आओ और मेरे एक दिन के खाने का इंतजाम हो जाए। सर मैं ना कहता था, ये पगली है पगली, टाइम बर्बाद कर दिया इसने। इंस्पेक्टर बुढ़िया को घूरते हुए देखता है। नहीं कुछ बात तो है, ये झूठ बोल रही है, इसे पकड़कर थाने ले चलो, जेल की हवा खाएगी तो अकल ठिकाने आ जाएगी। सर इसको थाने ले जाके क्या मिलेगा, जो कहा है करो। ना ना ना, मैं नहीं जाऊंगी। अरे जाएगी कैसे नहीं, पुलिस वालों को गुमराह करने के चक्कर में अब रोज जेल की रोटी खानी है, समझी ना? नहीं 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 नहीं, नहीं मैं नहीं जाऊंगी। वो लाठी टेकती हुई जाने लगी। रे माई हमें बेवकूफ बनाया तूने, ऐसे थोड़े जाने देंगे। मुझे जाने दो। तो सच सच बताओ, मुझे पता है खाने का तो बहाना है, तुम प्यारी के बारे में जानती हो, हमें गुमराह कर रही हो, कहीं तुमने किसी के साथ मिलकर उसको। नहीं नहीं मैंने कुछ नहीं किया। वो खाना उठाकर वहां से चली गई। इंस्पेक्टर और सिपाही चुपके से बुढ़िया का पीछा करते हैं। बुढ़िया जंगल में बनी एक झोपड़ी में चली गई। झोपड़ी में से एक औरत के रोने की आवाज आने लगी। सिपाही ने झांक कर देखा, उसे बुढ़िया और रोती हुई एक औरत की परछाई नजर आई। सर लगता है इस बुढ़िया के साथ कोई और भिखारिन भी रहती है। सर शमशेर के केस का क्या करना है? समझ नहीं आ रहा ये प्यारी अचानक कहां गायब हो गई। सर पूरी तहकीकात कर ली, ये पक्का है कि वो गांव से बाहर नहीं गई। गांव के भीतर कहां चली गई, इसे नहीं ढूंढा तो हमारी नाक कट जाएगी। पता नहीं क्यों रह रह के बार बार वो बुढ़िया दिमाग में आ रही है। वो तो अपने आप में पूरा एक केस लगती है, कोई सुराग नहीं मिल रहा तो चलो अंधेरे में तीर छोड़ के देखते हैं, इसे थाने ले चलो। क्यों? पुलिस को गुमराह करने के जुर्म में। अरे तुम दोनों मेरे पीछे क्यों पड़ गए हो? क्योंकि मुझे पता है तुम कुछ छिपा रही हो, सच सच बता दो वरना इस उम्र में। बुढ़िया धड़ाम से जमीन पर बैठकर उन्हें सब बता देती है। प्यारी रमेश के घर से निकलकर जाती है। बेटी बेटी, अरे ओ बेटी, तेरा राम भला करेगा, कुछ दे दी जा। अरे हाथ बुढ़िया, एक तो मेरे पति ने सुबह सुबह दिमाग खराब कर दिया और अब तो पीछे पड़ गई। बेटी कुछ तो दे दी जा। अच्छा ठीक है आजा, ज्यादा नखरे मत करना, घर में जो होगा दे दूंगी। बुढ़िया दरवाजे पर खड़ी हो गई और प्यारी घर में चली गई। फिर उसने बाहर आकर बुढ़िया को दो रोटी देकर दरवाजा बंद कर लिया। तो फिर आ गई मनहूस, चल निकल यहाँ से, खबरदार जो वापस इस घर में कदम रखा तो। ए तुम चुप रहो, ज्यादा मत बोलो, ये मेरा घर है, मैं नहीं जाऊंगी। मुझे पता है तुम्हारा चक्कर उस मालिन से चल रहा है, अगर तुमने उसे नहीं छोड़ा तो मैं सबको बता दूंगी। अच्छा इतनी जबान चलने लगी है, सबको बताने से पहले तुम जाओगी यहाँ से? जाओगी कैसे नहीं? बुढ़िया ने खिड़की से झांक कर देखा, शमशेर ने प्यारी को खूब मारा और घर से बाहर निकाल दिया। अगर इस बार वापस आई तो तुझे और तेरे उस भाई रमेश को जान से मार दूंगा, तेरा गला दबाने में मुझे एक मिनट लगेगा, भूल कर भी इस घर की तरफ देखना भी मत, और खबरदार जो किसी को कुछ बताया तो। प्यारी दरवाजे के बाहर खड़ी रोती रही।
बेटी, इस राक्षस के साथ रहने से अच्छा है कि तू अपने मायके चली जा। गई थी दो बार, पर मेरा भाई मुझे वापस यहीं छोड़ गया। बोला ये तेरे पति का घर है, अब तुझे यहीं रहना है, फिर दोबारा मायके नहीं आना। अब कहाँ जाओगी बेटी? इसे पता चल गया कि मैं यहीं हूँ तो ये मुझे जान से मार डालेगा। चल बेटी, तू मेरे साथ चल, वहाँ किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। ये शमशेर बड़ा चालाक निकला, अपनी पत्नी को खुद ही डरा धमका के भगा दिया और नाम रमेश पर लगा दिया ताकि वो पत्ता भी साफ हो जाए और खुद मालिन के साथ मजे से गुलछर्रे उड़ा सके। दोनों बुढ़िया की झोपड़ी से प्यारी को लेकर थाने पहुंचे। वहां दूसरा सिपाही शमशेर को भी ले आया। प्यारी को देखते ही, अरे प्यारी तुम कहाँ थी? मेरी तो जान ही निकल गई थी, पूरे दो दिन से गायब थी, मैं तुम्हारे बिना कैसे रहता। प्यारी उसे देखकर रोने लगी। रे अबैया नौटंकी बंद कर, हमें सब पता है। साहब आप क्या कह रहे हो? तेरे दिमाग का पूरा खेल मेरी समझ में आ गया है। अपनी पत्नी को मारकर भगा दिया, फिर जानबूझकर हमारे पास रिपोर्ट लिखाने आया था। अब तो खुद बोले तो अच्छा है, नहीं तो सारी इज्जत यही निकाल दूंगा। इंस्पेक्टर ने शमशेर को जोर से दो थप्पड़ लगाए। साहब मैंने सोचा था कि प्यारी को मिलने में दो तीन दिन लग जाएंगे, उसके बाद मैं इसे चरित्रहीन बोल के छोड़ दूंगा तो गांव में मेरा मान बना रहेगा, मुझे कोई गलत नहीं बोलेगा। और फिर तो उस मालिन के साथ आराम से रह लेगा, चालू कहीं का। पर तू ये भूल गया कि कानून भी है, अब घरेलू हिंसा और अपनी पत्नी को धोखा देने के जुर्म में जेल में आराम से रहना।